नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 जुलाई 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो 27 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप लोग इस बार बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा डीएलएड वर्सेस या बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और हो सकता है कि 20 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए कि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जो बच्चे बीएड के कैंडिडेट हैं उनको आजकल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है, इंतजार कर लीजिएगा। अगर आप लोग डीएलएड करेंगे या बीटीसी करेंगे तो आपको भाई जब तक आपका डीएलएड बीटीसी रहेगा तब तक आपको प्राथमिक में मौका मिलता रहेगा। अभी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन चल रहा है, बीपीएससी जिसका नाम है। यहाँ पर आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 79,943 पद हैं, लगभग 80,000 पदों पर विज्ञापन चल रहा है। जो बच्चे डीएलएड के हैं बेझिझक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया तो वो इतनी बड़ी वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं। तो डीएलएड करने से पहले ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको 1 to 5 क्लास में नौकरी मिल सकती है, 6 to 8 तक मिल सकती है, ठीक है, आराम से। बीएड का अभी कुछ क्लियर नहीं, इसलिए बीएड करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। और जरा देखिए आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक बात और आपको बता दें, 28 डीएलएड संस्थानों ने सरेंडर कर दी मान्यता। जी हाँ, जब से बीएड को मौका मिला तब से बीएड की तरफ रुझान बढ़ गया, बस एक बार बीएड को बाहर कर दे फिर देखिए आपका फायदा क्या होता है। चलिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे 2021 में या पहले मांगा गया था। तो आपकी रसीद होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, कैटेगरी आपकी कौन सी है, विशेष आरक्षण अगर कुछ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, जो ये इंपॉर्टेंट ये बात थी, आपके हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट या रिजल्ट जो आजकल आ रहा है उसमें दोनों रहता है। फिर वही इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ें दोस्तों ये पहली चीज़ मान लेते हैं। इसको दूसरी, पुराने रिजल्ट में अलग अलग था लेकिन अब तो एक ही रहता है। स्नातक प्रथम वर्ष का अंक पत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फाइनल पूरा, ग्रेजुएशन आपका हो गया। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र लगेगा 10 रुपये के स्टाम्प पर, शुल्क रुपए अंकों में, ये सब दोस्तों बात है, ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन नंबर और जो भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप ना हो तो ध्यान रखिएगा, आपके पास हाई स्कूल का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, आरक्षित वर्ग में, तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो भैया ये जरूरी है, ठीक है। तो बिना निवास प्रमाण पत्र के काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। बाकी आप कॉलेज से संपर्क करेंगे, सब कुछ वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड कर लेंगे बेहतर रहेगा, 2 साल का कोर्स है, थोड़ा सा कठिन भी होता है, परसेंटेज अच्छे बनाता है। बीएड में आप 70% लाएंगे तो मान के चलिएगा डीएलएड में आपके 90% कन्फर्म है, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।